मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीएम कमलनाथ के आगर दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनकी प्राथमिकताएं चुनाव से शुरू होती हैं और चुनाव पर खत्म हो जाती हैं। प्रदेश के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 48 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी प्रतिनिधि खेतों तक नहीं पहुंचा। बीजेपी कार्यालय में विधायकों से 1-to-1 चर्चा को लेकर कहा कि आगामी विधानसभा सत्र, राज्यसभा चुनाव समेत तमाम मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई है। इनकी प्राथमिकताएं चुनाव से ही तय होती है, चुनाव पर ही समाप्त हो जाती है और चुनाव में झूठे शिलान्यास और झूठी घोषणाएं। आज जरूरत आगर जाने की नहीं थी, आज जरूरत ओले पड़े से प्रभावित, अतिवृष्टि से प्रभावित उन खेतों में जाने की थी जहां किसान का सब्र का बांध न टूट जाए, किसान आत्महत्या को मजबूर न हो जाए, वहां ढांढस बनाने की जरूरत थी। 48 घंटे हो गए ग्वालियर चंबल को, पानी से फसल और हवा से फसल लौट गई, ओले से फसल कट गई तलवार से जैसे कटती है। इस समय तक कोई एक मंत्री मुख्यमंत्री किसान को ढांढस बनाने नहीं गया। किसान पीड़ा से कराह रहा है। अचंभा ये है कि मध्य प्रदेश के सुल्तान को फुर्सत नहीं है पांचवें फ्लोर से नीचे उतरने की। किसान पीड़ित है, शोषित है, कर्जा माफी का धोखा उस वादे से व्यथित है, लेकिन भैया आप नहीं जा पा रहे, पटवारी आरआई को तो भेज दो, गिरदावल को तो भेज दो, तहसीलदार को तो भेज दो। सबसे ज्यादा इस वक्त मध्य प्रदेश का किसान अपने आप को ठवा और छला हुआ महसूस कर रहा है। विधानसभा का सत्र सन्निकट है, सत्र के संबंध में व्यक्तिशय चर्चा, प्रदेश में अतिवृष्टि ओलावृष्टि, किसान को छला जाना, ठगा जाना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इन विषयों पर व्यक्तिशय विधायक सम्मानियों से चर्चा। राज्यसभा का चुनाव सन्निकट है, उसको लेकर भी माननीय विधायकों से चर्चा के संबंध में आज की बैठक है।